हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक इन इन्वेस्टमेंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एमआई टीवी बेस्ट पिक्चर सेटिंग 2023, या आप ये कह सकते हैं बेस्ट पिक्चर सेटिंग ऑफ एनी एंड्रॉयड टीवी या स्मार्ट टीवी इन 2023। या फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे पिक्चर मोड में मूवी विविड स्पोर्ट, इन सारे चीज़ों का डिटेल में बात करेंगे कि ये सब होता क्या है कस्टम में ब्राइटनेस क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, सेचुरेशन क्या होता है, शार्पनेस क्या होता है, हुई क्या होता है, इन सारे सेटिंग के बारे में डीपली बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक टेक एन इन्वेस्टमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको टीवी में पिक्चर बेस्ट पिक्चर सेटिंग सेट करने से पहले आपको पेन ड्राइव में कोई वीडियो आपको रख लेना है, और उसके बाद लाइव सेटिंग करना है। जी हाँ फ्रेंड, लाइव सेटिंग करने से क्या होगा, आप उसको एनालाइज कर पाएंगे और अप्लाई कर पाएंगे लाइव। तो उसके लिए हमने पेन ड्राइव में एक वीडियो हमने इंसर्ट कर दिया है। उसके बाद हम चलिए पेन ड्राइव को एक्सेस कर लेते हैं। उसके बाद आपको इसको पॉज कर देना है। पॉज करके यहाँ पे आपको मोर ऑप्शन दिख रहा है, और यहाँ पे आपको पिक्चर सेटिंग दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये पिक्चर मोड कस्टम है, कलर टेम्परेचर स्टैंडर्ड है, नॉइज रिडक्शन है, बैकलाइट 100 है, डायनेमिक बैकलाइट ऑन है, और रिसेट टू डिफ़ॉल्ट। इन सारे चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड मूवी विविड और स्पोर्ट और कस्टम के बारे में। तो इसको हम थोड़ा सा आपको क्लोजअप दिखाते हैं और बात करते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में, क्या आपको सेटिंग करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा क्लोजअप करते हैं और आपको दिखाते हैं कि फ्रेंड, जैसा कि आप स्टैंडर्ड मोड आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड मोड में आप चेंज करने पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ गया। तो ब्राइटनेस अगर आपका टीवी जो है जहाँ पे लाइट ज़्यादा आता है ऐसे जगह पे है, तो आप ब्राइटनेस मोड स्टैंडर्ड मोड कर सकते हैं। उसके बाद आता है मूवी मोड। फ्रेंड्स, ये जो मूवी मोड है, ये मूवी मोड जनरली मोस्ट एक्यूरेट नहीं होता है, विच मीन्स द इमेज विल लुक क्लोजर टू व्हाट द फिल्म मेकर और कंटेंट क्रिएटर इंटेंडेड। हाउएवर यू माइट नोटिस दिस सेटिंग मेक द इमेज डार्कर एंड वार्मर। जी हाँ फ्रेंड्स, आप जैसे ये सेटिंग हमने किया तो ये इसमें वार्मर क्लियरेंस आ रहा है, तो ये आपके लिए बेहतर नहीं होगा, तो इसमें आपको एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं होगा। उसके बाद विविड मोड आता है। यहाँ फ्रेंड्स, अगर आपका टीवी बहुत ज़्यादा लाइट वाले रूम में रखा है तो इट गिव्स यू ब्राइटेस्ट आउटपुट। यहाँ फ्रेंड्स, ये आपको ब्राइटेस्ट आउटपुट देगा अगर आप विविड मोड में करते हैं। और आपका टीवी अगर जिस रूम में है बहुत ज़्यादा लाइट आ रहा है तो ये मोड आपके लिए ठीक है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस मोड में आपको कलर एक्यूरेट नहीं मिलेगा, और आप इस मोड में मूवी को एक्सपीरियंस बेहतर तरीके से नहीं कर पाइएगा। वैसे ही स्पोर्ट मोड है, स्पोर्ट मोड में भी आपको वो आनंद नहीं आएगा जो आपको कस्टम मोड में आएगा। तो अब कस्टम मोड में चलते हैं फ्रेंड्स। और कस्टम मोड में सबसे पहले आता है ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सेचुरेशन, शार्पनेस एंड ह्यूई। तो फ्रेंड्स, ब्राइटनेस की बात करते हैं सबसे पहले। अगर आप ब्राइटनेस लेवल को हाई करेंगे तो ब्लैक एरिया आपको लाइटर दिखेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा आप हाई करेंगे आपको ब्लैक एरिया लाइटर दिखेगा, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर लाइटर दिखेगा तो इमेज आपको वॉश्ड आउट जैसा आपको दिखेगा, तो ये सेटिंग आपके लिए ठीक नहीं है बहुत ज़्यादा हाई करने। इट सेट बी अराउंड 50 or 51। चलिए 51 इस पर सेट कर देते हैं। कॉन्ट्रास्ट फ्रेंड्स,
अब चलिए बात करते हैं कॉन्ट्रास्ट के बारे में। कॉन्ट्रास्ट जब एडजस्ट करते हैं तो ये वाइट लेवल को रिप्रेजेंट करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, कॉन्ट्रास्ट को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो ये वाइट लेवल को चेंज करेगा। हाउ ब्राइट द वाइटेस्ट पार्ट ऑफ इमेज, यहाँ फ्रेंड्स इसको जितना ज़्यादा आप बढ़ाएंगे जो वाइट पोर्शन होगा आपके इमेज का वो कितना ज़्यादा ब्राइटनेस होगा ये कॉन्ट्रास्ट पे डिपेंड करता है। तो कॉन्ट्रास्ट सेट एज 100% आप कर सकते हैं। तो अगर आप कोई बियर का स्नो का मूवी वगैरह देख रहे हैं तो इसमें कॉन्ट्रास्ट सेट एज 100% करिए। लो कॉन्ट्रास्ट करेंगे तो वाइट पोर्शन आपको अच्छे से नहीं दिखेगा, मीडियम में भी डार्कनेस आ जाएगा। तो अगर हाई कॉन्ट्रास्ट करते हैं 100% तो ये आपके लिए बेटर होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड सैचुरेशन का। सैचुरेशन जो है कलर आपको रिप्रेजेंट करता है। इसको बहुत ज़्यादा हाई करेंगे तो कलर जो है बिल्कुल ही नेचुरल टाइप का लगेगा, और जब इसको आप लो करिएगा तो आपका इमेज ब्लैक एंड वाइट जैसा दिखेगा। तो सैचुरेशन को आप 50% रख सकते हैं, 1-2% इधर उधर आप घटा बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हमने 51 कर दिया। अब फ्रेंड्स बात करते हैं शार्पनेस का। शार्पनेस जो है एज को डिफाइन करता है। जी हाँ फ्रेंड, अगर आप शार्पनेस को इसमें फ्रेंड्स अगर आप इंक्रीज करते हैं ज़्यादा तो मडी पिक्चर क्वालिटी आपको दिखने को मिलता है। शार्पनेस को फ्रेंड्स आप 28 कर दीजिए, बिलो 50% आपको करके रखना है। डिपेंडिंग ऑन टीवी है, आप इसको चेक कर लीजिएगा ऐसे लाइव देख के। हुई क्या होता है फ्रेंड्स, हुई और टिंट सेटिंग चेंज हाउ रेड एंड ग्रीन इमेज लुक ऑन योर टीवी स्क्रीन। हुई जो है मोस्टली आपका जो रेड और ग्रीन कलर है उसको रिप्रेजेंट करता है। हुई को आपको 0 करके रखना है ताकि आपका कलर रेड एंड ग्रीन बैलेंस रहे। तो फ्रेंड्स ये तो कस्टम सेटिंग हो गया। ब्राइटनेस लेवल आप 51 कर दीजिए, कॉन्ट्रास्ट 100 कर दीजिए, सैचुरेशन 51 कर दीजिए, शार्पनेस 28 कर दीजिए, हुई को आप 0 कर दीजिए। कलर टेम्परेचर की बात करते हैं। कलर टेम्परेचर को आप को वार्म रखना है फ्रेंड्स। अब ये बैक लाइट क्या है, बैक लाइट जितना ज़्यादा आप बढ़ाएंगे एलईडी या एलसीडी का लाइट जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, इसको आप जितना घटाएंगे उतना बेटर रहेगा। तो आप इसको आप चेक कर लीजिएगा किस पॉइंट पे आपको बेटर इमेज प्रोड्यूस हो रहा है। बैक लाइट फ्रेंड्स डिपेंडिंग ऑन हाउ ब्राइट योर रूम टू प्रिवेंट आई फैटिग। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको आँख को बचाना है, अगर आप अंधेरे में या नाइट में टीवी देख रहे हैं तो बैक लाइट को आप कम कर दीजिए। अगर आप दिन में उजाले में टीवी देख रहे हैं तो बैक लाइट को आप बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये हमने सेटिंग कर दिया। आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये सेटिंग आपको कैसा लगता है। अगर आपको ये सेटिंग पसंद नहीं आता तो आप रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं।